टीवी का पॉपुलर शो अनुपमा सालों से फैंस के दिलों पर राज कर रहा है। टीआरपी चार्ट में भी ये शो नंबर वन पर बना रहता है। वहीं शो में अनुपमा का कैरेक्टर प्ले करने वाली रूपाली गांगुली घर घर छा चुकी हैं। रूपाली शो से पॉपुलर ही नहीं हुई बल्कि टीवी की सबसे महंगी एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हो गई। आज रूपाली एक एक एपिसोड की मोटी रकम चार्ज करती है। जी हां दोस्तों, शो की शुरुआत में रूपाली को 1.5 लाख रुपए पर एपिसोड मिलते थे, लेकिन जैसे जैसे शो का जादू लोगों के सिर चढ़ा, रूपाली की फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा बढ़ गई और मेकर्स ने रूपाली की फीस दोगुनी कर दी। जी हां दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूपाली गांगुली की फीस 3 लाख रुपए है, यानी कि पर एपिसोड के लिए वो 3 लाख का अमाउंट चार्ज करती है। वहीं रूपाली गांगुली के कोस्टार गौरव खन्ना और सुधांशु पांडे भी पीछे नहीं है। टीवी के अनुज और वनराज भी अच्छी खासी रकम चार्ज करते हैं। सोर्सेस की माने तो सुधांशु पांडे और गौरव खन्ना पर एपिसोड के लिए 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। वहीं रूपाली गांगुली ने टीवी के सबसे महंगे एक्टर को भी कड़ी टक्कर दी है। आपको बता दें, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल यानी कि दिलीप जोशी को पर एपिसोड के 3 लाख रुपए मिलते हैं। इस मामले में रूपाली ने दिलीप जोशी को कड़ी टक्कर दी है। वहीं टीवी इंडस्ट्री के अलावा रूपाली गांगुली अपने साइड बिजनेस से भी करोड़ों की कमाई कर लेती है। रूपाली गांगुली की एक एड एजेंसी है जिससे कि रूपाली मोटा पैसा छापती है। फिलहाल आपको कितनी पसंद है टीवी की अनुपमा, कमेंट्स में बताइए और टेलीविजन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।